नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं अजय वर्मा आप सभी का इस रिपोर्ट में स्वागत करता हूं। दर्शकों, फरीदाबाद जिले में बढ़ते प्रदूषण, ट्रैफिक जाम, आवारा पशुओं व आदि मूलभूत समस्याओं को लेकर पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने भारी भीड़ के साथ आज बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र की पंजाबी धर्मशाला से चलकर अम्बेडकर चौक होते हुए सब डिवीजन ऑफिस कॉम्प्लेक्स पहुंचे और विशाल प्रदर्शन करते हुए SDM बल्लभगढ़ को ज्ञापन सौंपा। आप देख सकते हैं, प्रदर्शन के शुरू होने से पहले ही पंजाबी धर्मशाला में भीड़ जमा होने शुरू हो गई थी और यह भीड़ ज़्यादातर पलवल के लोगों से भरी हुई थी। इस बस को आप देख सकते हैं कि यह बस पलवल जिले से आई हुई है। यह एक निजी स्कूल की बस है जिसमें पलवल से आए हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी ही हैरानी वाली बात है कि बल्लभगढ़ विधानसभा या फरीदाबाद क्षेत्र के कई कांग्रेसी नेता इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। चलिए, कोई बात नहीं, हो सकता है वह कहीं और व्यस्त होंगे। फिर भी जैसे तैसे भीड़ जमा करने में गिरीश भारद्वाज कामयाब हुए और सड़क से विशाल विरोध प्रदर्शन करते हुए बल्लभगढ़ के बाजारों में पहुंचे और मौजूदा सरकार को जमकर घेरते हुए नजर आए। चौधरी करण सिंह दलाल ने कहा कि आज फरीदाबाद क्षेत्र के लोगों ने एकजुट होकर प्रदूषण, गंदगी व अन्य मूलभूत समस्याओं को लेकर विशाल विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं दूसरी तरफ आज हरियाणा के CM ने प्रदर्शन से डरकर, क्योंकि आज उनका फरीदाबाद में दौरा था, इससे डरकर, इनके प्रदर्शन से डरकर मामूली अधिकारी को सस्पेंड करके इतिश्री की है, जबकि उन्हें चाहिए कि जो है इस पर सख्त से सख्त जो है कदम उठाए जाएं, जो कि शहर में हालात गंभीर बने हुए हैं। आगे बात करते हुए पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने भाजपा सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया, आप भी सुनिए। आज तीसरी दफा हमारे फरीदाबाद जिले के 36 बिरादरी के लोगों ने, विशेष करके नौजवान साथियों ने, माताएं और बहनों ने मजबूर होकर के ये प्रदर्शन हमने बल्लभगढ़ शहर के अंदर निकाला है, क्योंकि प्रदूषण का स्तर जो बढ़ रहा है वो बुजुर्गों के लिए, औरतों के लिए, बच्चों के लिए खतरे का कारण बन रहा है। बीमारियां घर कर रही हैं, ना कोई छिड़काव हो रहा है, ना कहीं सफाई को नियमित करने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने हमारे आज धरने के डर की वजह से सफाई अभियान का जो ऐलान किया और साथ में एक JEE को जो सस्पेंड करने का काम किया है, ये आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। अगर मुख्यमंत्री को सस्पेंड करना है तो जो यहाँ के बड़े अधिकारी हैं उनको सस्पेंड करें, जो यहाँ के BJP के विधायक हैं, सांसद हैं, जो नाजायज कॉलोनी काट रहे हैं, जो नाजायज बसों को चला रहे हैं, जिनकी वजह से ये प्रदूषण बढ़ रहा है, बड़े अधिकारी अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ अगर ये कोई आज कार्रवाई होती तो हमारे मन में थोड़ी तसल्ली होती। ऐसा अवैध रूप से प्लॉटिंग हो रही है, अवैध रूप से बसें चल रही हैं, किन लोगों की ये बसें हैं और क्या कुछ कार्रवाई इनके खिलाफ आप चाहते हो? ये सब भाजपा के नेताओं की नाजायज कॉलोनियां कटी जा रही हैं, नाजायज बसें भी भाजपा के नेताओं की हजारों की संख्या में चल रही हैं और इन्हीं की वजह से धूल और धुएं से हमारे दोनों बल्लभगढ़ फरीदाबाद के प्रदूषण की बदहाली जो बनी हुई है। हम मांग करते हैं कि इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हों। जो पीला पंजा गरीबों के घरों पे चलता है, वो पीला पंजा नाजायज कॉलोनियों को काटने वाले उद्योगपति और भाजपा के नेताओं के उस पर क्यों नहीं चल रहा है? और जो ये नाजायज बसें इतना धुआं छोड़ रही हैं और यहाँ के लोगों का जीना हराम हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री JEE को सस्पेंड करने की बजाय अगर उन बस चालकों को अंदर कराते तो शायद यहाँ के लोगों को आज कोई वो थोड़ी बहुत तसल्ली होती। लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं प्रायोरिटी पे लिया जाएगा, सफाई व्यवस्था को लेकर के सख्त एक्शन जो है वो कह रहे हैं कि करा जाएगा, यदि कोई लापरवाही करता है तो। टीम भी गठित की गई है अधिकारियों की। ये आज जब लोगों की हालत बद से बदतर हो चुकी है और आज भाई गिरीश भारद्वाज और हमारे साथियों ने जो प्रदर्शन का जो आज यहाँ ऐलान था उसके डर के मारे आज इन्होंने ये छोटी सी घोषणा की है, लेकिन भाजपा के मुख्यमंत्री और इनके मंत्री सांसद झूठ बोलने के आदि हैं। जितनी घोषणाएं इन्होंने अब तक की हैं सब की सब झूठ साबित हुई हैं। लेकिन हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अब आने वाले दिनों में प्रदूषण की मार जो ये हमारा जिला फरीदाबाद झेल रहा है, जिसमें भाजपा के लोग भी इसमें सांस की दिक्कत में वो भी हैं, तो अब हम ये बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे। हम थोड़े दिन मुख्यमंत्री की घोषणा का असर देखते हैं, अगर प्रदूषण का स्तर घटता है
नाजायज कॉलोनियों के ऊपर नाजायज कारखाने जो छोटे छोटे प्लॉटों में तब्दील हो रहे हैं, नाजायज बसें जो चल रही हैं, इनके ऊपर अगर रोक लगती है तो ठीक है, वरना आने वाला जो हमारा जो कार्यक्रम है वो और सख्त होगा। हम सरकार को मजबूर करेंगे कि हरियाणा के अंदर फरीदाबाद जिले के लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ ना करें और लोगों को शुद्ध सांस लेने का अधिकार है, लोगों को शुद्ध पानी पीने का अधिकार है जो नहीं मिल रहा है, सफाई होने का अधिकार है जो नहीं हो रही है। तो उसके लिए आज गिरीश भारद्वाज, भाई जगन्नागर और सारे साथियों ने जो ये इतना अच्छा कार्यक्रम किया है, मैं उन्हें बधाई देता हूँ। पांच राज्यों में चुनाव हुए हैं, तो क्या मानते हैं किस तरीके से रहेगा वहाँ? जो होगा वो तो 3 तारीख को पता चलेगा, लेकिन अगर आज हरियाणा में चुनाव होता है तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि लोकसभा और विधानसभा में भाजपा औंधे मुंह पड़ेगी, इनकी जमानतें तक नहीं बचेंगी और ये गांवों में घुस नहीं सकेंगे। लोग इनका इतना सख्त विरोध कर रहे हैं कि हरियाणा के चुनाव आज करा के देख लें, भारतीय जनता पार्टी की जमानत नहीं बचेगी।